हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय चैनल नेम इज़ इंडियन गर्ल कॉर्नर तन्वी एंड माय नेम इज़ पूनम। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई एक ऑनेस्ट सा रिव्यू, जो कि है एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट जो आप सबके बहुत काम आने वाला है। मैं ज़्यादातर ऐसे ही प्रोडक्ट लेकर आती हूँ जो आप सबको काम आए घर में, यानी कि होने ही चाहिए लड़कियों के पास ये चीज़ें। फिर तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या है आज का हमारा प्रोडक्ट। तो आज का हमारा प्रोडक्ट है ये फ्लॉलेस का आईब्रो ट्रिमर। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसकी अच्छाइयों के हिसाब से आपको इसके जो डिसएडवांटेज होते हैं ना, मैं वो भी आपको बताऊंगी कि आपको इसे कहाँ पर यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, ठीक है। और देखिए ये है फ्लॉलेस का ट्रिमर। इसको मैंने पर्सनली अपने लिए एक मंगाया है और मैंने अपनी वेबसाइट पर भी डाला है, और मैं अपनी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट का लिंक दे दूंगी। आप मेरी वेबसाइट से इसे परचेज कर सकते हैं, ये 350 में आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ कि आपको इसके साथ क्या क्या मिलने वाला है। ये इस तरह की कुछ पैकेजिंग में आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसकी फ्लॉलेस का आईब्रोज का ट्रिमर है और ये परफेक्ट फॉर आईब्रोज है और जेंटल ऑन ऑल स्किन टाइप, यानी कि ऑल स्किन टाइप के लिए है कि हर एक स्किन पर काम करेगा ये और अच्छे से बाल हटाएगा हमारे। ये जर्मन का प्रोडक्ट है। इंक्लूडेड बैटरी आपको इसके साथ मिलेगी और इसमें लिखा है 18K गोल्ड प्लेटेड, मगर ये तो लग रहा है कि ये झूठ ही होगा कि कोई 350 में हमें गोल्ड की प्लेटिंग वाला तो देगा नहीं कुछ। ये ब्लेडिस का तो गोल्ड तो इतना महंगा आता है। तो चलिए पीछे इसके यूजेस लिखे हैं, मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। तो ओपन करके निकलने वाला है कुछ, देखिएगा कि यहाँ पर एक ब्रश है इसके साथ छोटा सा, एक बैटरी और ये सब। तो मैं अभी दिखा देती हूँ आपको। सबसे पहले है ये ट्रिमर, ये कुछ पेन की शेप में आएगा, बड़ा ही प्यारा सा है ये, और इसके साथ एक बैटरी भी मिलेगी। तो ये फ्रेंड्स इस तरह से ये हो जाएगा ओपन, फिर हम इसको हल्का सा पुश करेंगे तो इस तरह से ये बाहर निकल आएगा। फिर हमें यहाँ पर लगानी है, इंसर्ट करनी है इसमें बैटरी, प्लस माइनस कुछ चेक करके आप इसमें लगा लेना बैटरी। मैंने लगा ली है, अब मैं इसको बैटरी लगा के इधर की साइड एक बटन दिया है उधर, इस तरह से ये बंद हो जाएगा। ये इसकी कैप है। अब ये देखिए किस तरह से बटन को मैं ऊपर की साइड में पुश करूँगी तो चलने लग जाएगा। चल रहा है ना, और इसमें ना हल्की हल्की सी लाइट भी ये इंडिकेट करता है। ये दिख रही है आपको, ये देखिए हल्की हल्की सी इसमें लाइट भी आती है। अभी तो ये थोड़ा स्लो हो गया। इसके साथ आपको एक नॉइस भी आ रही है ना कि ये ऑन हो गया, ये पता चल जाता है हमें। तो इस तरह से इसको ऐसे करकर आईब्रोज कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं मैंने अपनी आईब्रोज को इसी से ही ट्रिम किया हुआ है। जब से मेरे पास ये आया है 2 मंथ हो गए हैं, तब से मैं आईब्रोज के लेके ही बाहर नहीं गई हूँ। तो जब भी मेरे थोड़े से मुझे आईब्रोज लगते हैं तो मैं इससे घर पर ही अपने आईब्रोज को ट्रिम कर लेती हूँ। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको, आगे मेरा वीडियो आएगा कि मैंने किस तरह से यूज़ किया और अपने आईब्रोज इससे बनाए। चलिए आप वीडियो देख लीजिए। सी फ्रेंड्स, देखिए कितने सारे हेयर्स आ गए हैं। देखिए दोनों आईब्रोज में साफ साफ बाल नज़र आ रहे हैं, जितने भी मेरे हेयर ग्रोथ आई हुई है। तो चलिए मैं आईब्रो को ट्रिम करने से पहले एक बार ही उनको फिल जरूर कर लूँगी, एक बार शेप में ले आऊँगी आईब्रोज को, ताकि मैं ट्रिम करते करते ज़्यादा अपनी आईब्रोज को उड़ा ना दूँ। इसलिए मैं शेप बना लूँगी ताकि मुझे पता रहेगा, फिर इससे मुझे पता रहेगा कि मुझे किस शेप में बनानी है आईब्रोज। तो देखिए मैंने आईब्रोज को कर लिए हैं फिल और शेप में कर लिया है। अब मैं इसको ऑन कर लूँगी। ऑन करने के साथ ही एक साउंड क्रिएट करेगा ये, और इसमें एक हल्की सी लाइट भी इंडिकेट हो रही है। देखिए आपको दिख रही होगी लाइट, बट फ्रेंड मेरा कैमरा थोड़ा ब्लर हो रहा है, पता नहीं क्यों।
बीच बीच में ब्लर हो रहा है काफ़ी, तो आपको दिख ही रहा है वैसे। ये देखिए, ये इस तरह से हमें बाहर की साइड से अंदर की साइड बालों को पुश करते हुए, हेयर्स को पुश करते हुए ट्रिमर को चलाना है। एक इसको चलाना भी इसी तरह है, आपको देखिए दिख रहे ना इसमें बाल, कि इस तरह से इसको बाहर की साइड से अंदर की साइड, ताकि ट्रिमर के अंदर बाल जाए और वो उन्हें कट कर सके। जी, आप जैसे वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ, सेम आपको भी उसी तरह से ट्रिमर चलाना है और अच्छे से अपनी आईब्रोज को एक सुंदर सी शेप दे देनी है, अपनी मनपसंद जैसा आप चाहते हैं। तो देखिए, बनाते बनाते ही अभी आईब्रो कितनी क्लीन हो गई है, सारे हेयर्स मैंने रिमूव कर लिए हैं और इतनी अच्छी सी शेप आ गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरे आईब्रो को कितने अच्छे से क्लीन कर कर एकदम शेप में बना लिया है और ये बिल्कुल पेन लेस है, इससे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा आपको, ज़रा सा भी पेन नहीं होने वाला है इससे। मैं पार्लर में जाती थी तब मैं देखती थी कितने सिस्टर्स को पेन होता था, मुझे भी काफ़ी पेन होता था थ्रेडिंग कराने में, तो अब ये बिल्कुल एकदम पेन लेस है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है ये। मैं इसे यूज़ करती रहती हूँ हर वीक। और ये देखिए बिल्कुल शेप में आ गए, कितनी क्लीन हो गया, नीचे एक भी बाल नहीं नज़र आ रहा है आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं थोड़ी सी शेप ऊपर की साइड से भी दे दूँगी, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, धीरे धीरे से मुझे शेप देनी है और शेप देने के बाद मैं आगे तक ले आऊँगी। पहले मैं अपनी एक आईब्रो को पूरी अच्छे से क्लियर कर लूँगी, तभी मैं दूसरी आईब्रो की तरफ जाऊँगी। तो देखिए मेरी एक आईब्रो आपको खुद नज़र आ रहा है ना, मैंने कितनी अच्छे से क्लीन कर लिया इससे, मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है, जैसे मैंने चाहा था मैं बिल्कुल ऐसे ही बना रही हूँ इसको। चलिए अब मैं दूसरे वाले आईब्रो को भी सेम इसी तरह से ट्रिमर चलाते हुए शेप में कर लूँगी। मैंने दोनों आईब्रोज को बना लिया है, अब एक्स्ट्रा हेयर जैसा कि आप जानते हैं उसको कैंची से, सीजर की हेल्प से हमें शेप में करना होता है एक्स्ट्रा हेयर्स को, तो मैंने सीजर की हेल्प से निकाल लिया है। तो देखिए फ्रेंड, मेरे आईब्रोज दोनों रेडी हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, मोटे मोटे हैं और थोड़ी सी, और जो पार्लर में मैं जाती थी तो उन्होंने काफ़ी पतली कर दी थी बना बना के मेरे आईब्रोज को। आ गया है फ्रेंड्स अपर लिप्स और चिन एरिया का, बट मैं ट्रिमर को अपर लिप्स और चिन एरिया पर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी, आपको भी फ्रेंड्स चिन एरिया पर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। मेरे पास है थ्रेडिंग वाला थ्रेड और उसको मैंने लेकर इस तरह से क्रंची टाइप में कुछ बना लिया है ऐसे, और उसकी हेल्प से मैं अपने थ्रेड की हेल्प से अपने अपर लिप्स में जो भी मेरे हेयर ग्रोथ है उन सबको निकाल दूंगी। मुझे तो आता ही है फ्रेंड्स घर पर अपने अपर लिप्स करना। ये देखिए कितने अच्छे से मैं थ्रेड चलाकर अपने अपर लिप्स खुद घर पर कर लेती हूँ, मैं यहाँ पर वैक्स या और किसी चीज़ का यूज़ नहीं करती हूँ, तो आप भी ट्रिमर को ना यूज़ करें यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस प्रोडक्ट के यूजेस के बारे में बता दिया, हर एक चीज़ बता दिया, लेकिन अभी मैं आपको इसके डिसएडवांटेज बताने वाली हूँ। इस ट्रिमर को आपको अपने चिन एरिया पे और अपने अपर लिप्स पे यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि मैंने देखा जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ से मुझे पता चला कि जब मेरे हेयर्स आने स्टार्ट हुए तो वो ऐसे अंदर से हेयर्स ऐसे आ रहे थे जैसे शेव के बाद कोई हेयर आते हैं, क्योंकि ये तो ट्रिमर है, ये ट्रिमर मतलब हमारे हेयर्स को ये ट्रिम कर रहा है यानी कि काट रहा है। ये थ्रेडिंग जो हम पार्लर से बनवाते हैं उस थ्रेडिंग की तरह हमारे हेयर को पुश कर बाहर नहीं निकाल रहा है, ये तो सिर्फ ऊपर से ही ट्रिम कर रहा है ना, जो हमारी स्किन से बाल निकल रहे हैं सिर्फ उधर से ही ट्रिम कर रहा है, तो हमारे बाल सिर्फ यूं ही निकल कर ही आएंगे, आईब्रोज में चल जाएगा कि हमारे हेयर सारे वो ऐसे ही आते हैं, लेकिन अगर हम अपने अपर लिप्स एरिया पर ट्रिम करेंगे तो वो शेविंग के हेयर्स की तरह बाहर निकलेंगे और इस तरह से चिन एरिया से भी वो इसी तरह बाहर आएंगे। तो बिल्कुल भी आप इसको अपर लिप्स और चिन पर नहीं यूज़ करेंगे, अपर लिप्स आप पार्लर में ही करानी पड़ेगी जैसे भी आप कराते हैं, बट ट्रिमर्स के साथ आप अपर लिप्स नहीं करेंगे, नहीं चिन एरिया पे आप यूज़ करेंगे, कहीं भी नहीं करेंगे आप फेस पर,
मैंने तो नहीं किया है। ये आप पर डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि आप इसे ही यूज़ करना चाहते हैं या फिर पार्लर जाना चाहते हैं। तो मैं अपर लिप्स तो मैं खुद ही कर लेती हूँ जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया है, तो ना तो इस चीज़ के लिए मैं पार्लर को थोड़ा अवॉइड कर दूँगी। तो ये थे इसके कुछ डिसएडवांटेज कि आप इसको इधर इधर यूज़ नहीं करेंगे और कहीं भी। ये बहुत ही अच्छा छोटा सा ट्रिमर है, ये हैवी ग्रोथ के लिए नहीं है। शायद जिनके हैवी ग्रोथ हो आईब्रोज में या अपर लिप्स में, तो उन पर ये वर्क ना करे ढंग से। तो ये थोड़ी लाइट ग्रोथ के लिए, मेरी भी ग्रोथ काफ़ी लाइट ही है। कई बार ऐसा होता है कि इसमें बाल वगैरह भी फंस जाते हैं, तो उसको आपको क्लीन करना होगा। तो मैं उसको अभी ये आपको क्लीन करके अभी दिखा देती हूँ कि क्लीन कैसे करते हैं। इसको मैं अभी आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। आपको ऐसे पकड़ना है और इधर एक लाइन जो जा रही है इस लाइन को पकड़ कर हल्का सा ऐसे करना है और ये निकल आएगा बाहर। तो इसको तो आपको रख देना है साइड पर, और ये जो ऊपर वाली साइड है इसमें ये जो दिया गया ना ब्लेड, ये रहा ब्लेड, उसमें थोड़े से देख रहे हैं आप, इसमें है थोड़े से बाल वगैरह फंसे हुए, उनको इसमें है थोड़े बाल वगैरह फंसे हुए, उनको मैं इस तरह से ब्लेड से ब्रश के हेल्प से, ये ब्रश की हेल्प से मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर दूंगी इस तरह से, ठीक है। ये रख दिया मैंने, और ये इसमें जो इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी, गोल्ड की प्लेटिंग भी साफ, गोल्ड की प्लेटिंग भी जो इसमें दी गई है उसको भी साफ कर लूँगी। अब मैं इसको और मैं अगेन इसको इसमें इंसर्ट कर दूँगी इस तरह, फिर इसको ऐसे लगा कर और ये कट से अब आ जाती है और ये रेडी हो गया फिर से। चलिए हो गए आईब्रोज। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा वीडियो, मेरा ऑनेस्ट सा रिव्यू, मैंने आपको सारी डिटेलिंग अच्छे से दी है इसकी। तो मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को शेयर भी करना। तो बाय बाय फ्रेंड्स।